मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं और मस्जिद को प्रार्थना स्थल, और मुस्लिम पक्ष ज्ञान व्यापी मामले में बार बार वर्शिप एक्ट 1991 की बात सामने लाता रहा है। यहाँ ये समझिए कि वर्शिप एक्ट को हिंदी में पूजा स्थल कानून कहा जाता है। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हमारा मुद्दा भी यही है। पूरे देश में ज्ञान व्यापी को लेकर हर कोई अपना ज्ञान देने के लिए सामने आ रहा है। इन्हीं ज्ञानों के कुएं से ज्ञान ये भी निकला कि ज्ञान व्यापी को पूजा स्थल कानून 1951 के अंतर्गत प्रावधानों को देखते हुए इसे मस्जिद ही रहने दिया जाए और कानूनी जांच को रोक दिया जाए। लेकिन इस ज्ञान की पड़ताल जब हमने बारीकियों से की तो कुछ तथ्य हमारे सामने निकल करके आए, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तथ्य को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ज्ञान व्यापी के कुएं से निकला एक और ज्ञान। इस्लाम में पूजा है हराम, फिर मुस्लिम पूजा की क्यों कर रहे हैं मांग? ज्ञान व्यापी को बचाने के लिए मुस्लिम पक्षकार क्यों भुला रहे हैं धार्मिक कानून? शरीयत नहीं सहूलियत का कानून बना इस्लामिक लॉ। ज्ञान व्यापी का मामला पिछले दशक से चलता आ रहा है। हर बार इस मामले में नए नए तथ्य देखने और समझने को मिलते हैं, जिनमें ज्यादातर चर्चा का विषय बनता है मुस्लिम पक्ष, इनकी तरफ से दी गई दलीलें। एक अनोखे दलीलों के साथ मुस्लिम पक्षकार कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचते हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आप सोच रहे होंगे। चलिए आपको अभी हाल के एक उदाहरण से रूबरू करवाते हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष इस बार ज्ञान व्यापी का मामला दबाने के लिए एक एक्ट का नाम जोरों शोरों से ले रहा है, वो है वर्शिप एक्ट 1991, जिसका हिंदी अनुवाद होता है पूजा स्थल कानून 1951। चलिए ये तो हो गई एक बात, अब दूसरी ओर ध्यान देते हैं। मंदिर को पूजा स्थल कहा जाता है और मस्जिद को प्रार्थना स्थल। अब आप एक और कड़ी पर नजर डाल लीजिए, वो है इस्लामिक कानून, जिसमें पूजा शब्द को हराम करार दिया गया है। इस कानून के मुताबिक केवल प्रार्थना और इबादत ही पाक शब्द होते हैं, जबकि पूजा शब्द हराम और कुर्फ माना जाता है। अब इस पूरे मामले को समझिए। जब पूजा शब्द इस्लामिक कानून के मुताबिक हराम माना जाता है, तो क्यों मुस्लिम पक्षकार बार बार इसी शब्द का प्रयोग कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है? क्यों मुस्लिम समुदाय बार बार पूजा स्थल कानून की मांग ज्ञान व्यापी मस्जिद पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए करता रहा है? जिस एक्ट की मुस्लिम समुदाय मांग कर रहा है, उसमें पूजा शब्द का प्रयोग हो रखा है, जो कि इस्लामिक कानून के मुताबिक नापाक है। फिर क्यों इस कानून की मांग बार बार उठ रही है? सवाल बहुत अहम है कि पूजा स्थल कानून मस्जिद पर कैसे लागू हो सकता है। इसी सवाल के साथ एक और अहम मुद्दा सामने है कि जब भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुस्लिम समुदाय देश के न्यायिक लॉ से भी ऊपर मानते हैं, और जब जब मौका मिला है मुस्लिम समुदाय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए गए प्रावधानों को बुलंद आवाजों के साथ उठाया है। इसका हाल ही उदाहरण है सूर्य नमस्कार विवाद। आपको याद होगा कि भारत की केंद्र सरकार ने देश के स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर स्कूलों में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम कराने का फैसला लिया था। वहीं इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ा विरोध जताया था। बोर्ड ने कहा था कि सूर्य नमस्कार की इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। यहां आप ये समझिए
कि जब इस्लाम सूर्य पूजा की इजाज़त नहीं देता है, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लामिक कानून का हवाला देके इस पर रोक लगाने की गुहार लगाता है। वहीं दूसरी तरफ यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूजा स्थल कानून 1951 की मांग भी करता है, जबकि इस्लामिक कानून के मुताबिक पूजा को हराम माना जा गया है। फिर मुस्लिम लॉ बोर्ड और मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल कानून 1951 का हवाला देकर मस्जिद बचाने की गुहार कैसे लगा सकते हैं? इससे तो यही साबित होता नज़र आ रहा है कि इस्लामिक लॉ अपने सहूलियत के हिसाब से अपने धार्मिक कानून को मानता और नकारता है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस्लामिक लॉ को मुस्लिम समुदाय ने अपने सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया हो। कई बार हमें इसका उदाहरण देखने को मिल चुका है। आपको बता दें कि जब देश में एक समान अधिकार लागू करने की बात आई तो भी मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई। ऐसे ही CAA NRC के वक्त भी मुस्लिम समुदाय ने अपने आवाज़ बुलंद किए थे। इसके साथ ही हमेशा से ही मुस्लिम समुदाय इस्लामिक लॉ को लेकर कहता रहता है कि इस्लामिक लॉ के मुताबिक उन्हें सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि जब इस्लामिक लॉ के मुताबिक ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जिसके मुताबिक ज्ञानव्यापी मस्जिद कायदे कानून के साथ नहीं बनाया गया, तो उसके समर्थन में मुस्लिम समुदाय क्यों खड़ा है? इस्लामिक लॉ को ध्यान में रखते हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद से अपने पांव पीछे क्यों नहीं उठा लेते? ऐसे कई और गंभीर सवाल जहन में है जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक आस्था और कानून पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और इन सवालों के घेरे में मुस्लिम समुदाय खड़ा है। लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय अपने सहूलियत के हिसाब से अपने कानून का इस्तेमाल करता है, और जब यही सहूलियत उसके ऊपर भारी पड़ता है तो इससे अपने पाँव पीछे कर लेता है। क्या इस्लामिक लॉ सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए है? क्या इस्लामिक लॉ तभी ये लागू करते हैं जब इनके हित के लिए काम होते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, इनके रूपरेखा पर आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा और समझा कि कैसे पूजा को पहले इस्लाम में हराम करार दिया जाता है, फिर जब बात मस्जिद बचाने की आई तो उसी पूजा को अपनी ढाल बनाकर मुस्लिम पक्ष कानून के सामने न्याय की मांग करता दिख रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा शब्दों के चयन पर भी सवाल खड़ा कर देता है। आखिर अब इतने बड़े मसले में उसी शब्द का सहारा क्यों ले रहा है? हमने आपको अभी बताया कि कैसे सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम पक्ष ने विवाद खड़ा कर दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष आज पूजा स्थल कानून का हवाला देकर मस्जिद जस का तस रहने देने की गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले पर और मुस्लिम पक्ष के फेर बदल को देखते हुए आप लोग का क्या कहना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।